प्रेरणा कथा और भाई न मरे। उस गली में बहुत से बच्चे इधर से उधर दौड़ रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ बॉल के पीछे दौड़ रहे थे और कुछ सड़क के किनारे खड़े उनको देख रहे थे। मुख्य सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। वैसे तो उस गली में भी खेलना खतरनाक ही था, पर और कोई स्थान भी तो नहीं था। एक 8 या 10 बरस का लड़का दूर एक कोने में बैठा उन बच्चों को देख रहा था। वो अपनी माँ के साथ वहाँ आया था। उसकी माँ सड़क के किनारे किनारे बने घरों में से एक में काम किया करती थी। वो लड़का अचानक उठा और उस गली के पास ही एक खाली प्लॉट की तरफ चल दिया। वो प्लॉट खाली तो था, पर जगह जगह कागज, प्लास्टिक, बोतलें, कपड़ों के टुकड़े और बहुत सा कचरा फैला हुआ था। सभी बच्चे अपने अपने खेलों में व्यस्त गली में हुड़दंग मचा रहे थे, पर वो लड़का उस प्लॉट पर खड़ा कुछ सोच रहा था। अचानक उसने एक एक करके फेंकी हुई चीजें उठा उठाकर प्लॉट के पीछे एक पेड़ के नीचे रखनी शुरू कर दी। वो सुबह से शाम तक उस प्लॉट की सफाई करता रहा। उसकी माँ घर के अंदर ही काम करती रही। अगले कुछ दिनों भी वो लड़का उस प्लॉट को साफ करता रहा। फिर एक दिन उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने देखा कि उनके बच्चे उस खाली प्लॉट पर खेल रहे थे। वो प्लॉट अब बिल्कुल साफ सुथरा मैदान हो गया था। उस लड़के ने सारा कचरा मैदान से हटाकर दूर पेड़ के नीचे रख दिया था। लोग उस लड़के को प्रशंसा से देखने लगे और कुछ लोग तो उसको लाला कर मिठाई, बिस्कुट और पैसे भी देने लगे। कुछ लोगों ने उसकी माँ से पूछा कि उसके बेटे ने उस मैदान को क्यों साफ कर दिया था। माँ ने दुख भरे स्वर में उन लोगों से कहा, मेरा एक छोटा बेटा भी था, वो भी इन सभी बच्चों की तरह सड़क और गली में खेला करता था। एक दिन एक गाड़ी ने उसको कुचलकर मार दिया। उस दिन से मेरा ये बेटा बिल्कुल चुप हो गया। अब मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ घरों के काम करने के लिए, मेरा बेटा आसपास के खाली स्थानों को साफ करने लग जाता है, ताकि बच्चे गलियों और सड़कों पर न खेलकर उन साफ मैदानों में खेलें। वो नहीं चाहता कि उसका और कोई भाई गली या सड़क पर गाड़ी के नीचे आकर मर जाए। मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है कि हमने आज शहरों को सीमेंट और कंक्रीट का जंगल बना दिया है। बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह शायद ही बाकी रही है। छोटे छोटे खाली मैदान का प्रयोग लोग कचरा फेंकने के स्थान के रूप में करते हैं। हम लोग अपने बच्चों को कैसा जीवन दे रहे हैं? अमीरों के बच्चे तो क्लबों, महंगे चिल्ड्रन पार्कों या मेंबरशिप वाले खेल के मैदानों में खेल सकते हैं, परंतु ज़्यादातर बच्चे तो गलियों या सड़कों में ही खेलते हैं। हजारों बच्चे हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। काश हम सब भी उस छोटे लड़के की तरह सोचने लगते हैं, जो छोटे छोटे मैदानों को साफ करके बच्चों के खेलने योग्य बनाता था, ताकि उसका कोई और भाई किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।